कुकिंग का बुक है, ये इतना सारा बुक्स मेरे बेड के नीचे दीवान के अंदर। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं जा रही हूँ मार्केट सुबह सुबह, बहुत ही एक स्पेशल चीज़ का ऑर्डर मिला है घर से, वो लेने के लिए जा रही हूँ। तो पहले लेके आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और ये है हमारे यहाँ के सब्जी मार्केट, सब्जी और फ्रूट्स मिल जाती है यहाँ पे। देखिए कितने अच्छे अच्छे सब्जी फ्रूट्स सब है। सब्जी की दुकान आते ही ना मेरा मन खुश हो जाता है, लेने के लिए आती हूँ कुछ और लेके जाती हूँ बहुत कुछ। और ये देखिए मैं क्या लेने के लिए गई थी, मैंगोज़। जो लोग बंगाली हैं, मेरे बंगाली फ्रेंड्स, उनको तो पता है ये कौन सा मैंगो है। ये एक्चुअली लैंगरा आम है। और अभी मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आज बनेगा पराठा और प्लेन आलू की सब्ज़ी। वैसे तो आज मन था मैं पूरी बनाऊंगी, लेकिन बाद में मार्केट गई थी और फिर आते आते थोड़ा सा लेट हो गया, तो मैंने सोचा पूरी तलने का अभी टाइम नहीं है तो पराठा ही बना देती हूँ। पराठा ना, ट्रायंगल पराठा मुझे बहुत अच्छा लगता है बनाने में, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है, मैं थोड़ा सा धीरे धीरे बनाती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो इसलिए मैंने आज गोल गोल पराठा बना लिया। वैसे आप भी ऐसे सैटरडे या फिर दूसरे दिन क्या क्या बनाते हो मुझे ज़रूर बताना। ब्रेकफास्ट में रेसिपी, एक्चुअली मैं बहुत कुछ ट्राई करना पसंद करती हूँ, कुकिंग मुझे बहुत पसंद है। किचन में ना मैं बहुत ज़्यादा टाइम बिताती हूँ, लेकिन अभी कुछ दिनों से मैं इतना बिज़ी हूँ, आपको तो पता है क्यों हूँ मैं बिज़ी, तो इसलिए मैं ना कुछ ट्राई नहीं कर रही हूँ। ये मेरा पराठा ऑलमोस्ट बन गया है, मैं ऑयल से बना रही हूँ, घी से भी पराठा बहुत अच्छा बनता है, लेकिन अभी हेल्थ कॉन्शियस हो गए ना हम लोग, तो अभी घी कम यूज़ करते हैं। और ये पहला जो ब्रेकफास्ट का थाल है वो मेरी आहना के लिए है, ये आलू की सब्ज़ी, पराठा और बनाना, मैं उसको देख के आती हूँ। कल मैंने बहुत सारे टेडी बियर्स धो के रखे थे उसके, तो मशीन में धोए थे तो उसको उसका थोड़ा जो फर है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, तो आहना बहुत ही दुखी है, टेडी बियर को लेके बैठी हुई है आज। और ये है लंच। लंच में आज मैं बना रही हूँ मेथी साग, तो मैंने ना दो बंच हरे हरे मेथी के साग लेके आई थी और इसको मैं बनाया, देखो कितना कम हो गया है। मैं बैंगन के साथ बनाई हूँ, आलू मेथी भी बहुत अच्छा बनता है, लेकिन मैं बैंगन के साथ आज बना रही हूँ, छोटे छोटे बैंगन के पीसेस के साथ। और ये बन रहा है आलू और सोयाबीन की सब्जी, एकदम वेज। जिंजर, टमाटर, ये सब डाल के मसाला डाल के। मम्मी क्या कर रही है देखो। मैं इतना सारा बुक्स मिला है पुराना पुराना सी, ये कुकिंग का बुक है, ये इतना सारा बुक्स मेरे बेड के नीचे दीवान के अंदर था, सब कुछ निकाला, इतना अच्छा लग रहा है बुक देखने में। और जो जो लेके जा रही हूँ वो इधर मैं भर रही हूँ, कितने सारे मेमोरीज मिल रहा है मुझे। हाँ, इतना सारा सी बहुत सारे बुक्स है, मैं ना बुक्स कभी फेंक ही नहीं पाती हूँ, इतना सारा बुक्स उस घर में लेके गई फिर भी कितना बुक्स मिला मुझे, कितना अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, अभी एक एक कुकिंग देख देख के बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। देख देख के क्यों, आप तो ऐसे ही अच्छा बनाती हो। लेकिन ये इसमें डिफरेंट डिफरेंट है ना, बहुत सारी चीजें हैं। ये हमारा दुर्गा पूजा होती है ना, बंगाली दुर्गा पूजा, वो दुर्गा पूजा स्पेशल कुछ खाना रेसिपी सीजन है। यस, क्योंकि फेस्टिवल के टाइम पे, वो दुर्गा पूजा के टाइम पे जो चार दिन होता है ना, वो चार दिन हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा अच्छा ड्रेसेस पहनते हैं, एकदम फेस्टिव मूड। तो उस टाइम के लिए कुछ अच्छा खासा खाना है इधर बनाएंगे। चल ठीक है। और अभी है लंच टाइम। लंच में ये बन गया है मेथी साग, ये सोयाबीन आलू की सब्जी और पापड़ मैंने फ्राई किया है, मुझे पापड़ बहुत अच्छा लगता है, और मैंगोस, वो लैंगराम जो मैं लेके आई थी वो, और राइस है। चलो फटाफट खाना सर्व कर लेते हैं, लंच कर लेते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है सैटरडे, तो सैटरडे ट्यूसडे मैं तो वेज खाना खाती हूँ, वेज खाना बनाते हैं हम घर में। तो आज मैं बनाऊँगी एक वन पॉट मील जो बहुत ही यमी टेस्टी है और घर घर में सबको पसंद होती है। आई ट्रस्ट मी, आप अगर बनाओगे तो आपको भी बहुत 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 अच्छा लगने वाला है। और ये जो रेसिपी है मैं अक्सर बनाया करती हूँ सैटरडे को या फिर ट्यूसडे को, तो आज मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी वो वाला रेसिपी शेयर करूँ। तो आइए किचन में चलते हैं और देख लेते हैं रेसिपी को। एक्चुअली ये जो रेसिपी है ना, ये मेरे हस्बैंड का है। वो जब ऑफिस में ज्वाइन किए थे पहली बार, तो ये वो बनाते थे, उनकी एक कॉलीग ने उनको सिखाया था। और ये वाला रेसिपी वैसे तो आप चिकन से या फिर एग के साथ या फिर वेज भी बना सकते हैं। एक्चुअली वन पॉट मील है मैंने जैसे कि बोला, तो अगर आप बहुत ही जल्दी में हैं, हरी में कुछ खाना बनाना चाहते हैं और आपके घर में थोड़ा सारा वेजीज है, आज जैसे कि मैं बहुत सारे वेजीज यूज़ करने वाली हूँ, मैं करती हूँ इतना सारा। उन्होंने मुझे जब सिखाया था तब आलू टमाटर प्याज इसके साथ सिखाया था, लेकिन मैंने सोचा नॉन वेज में तो बहुत सारे रेसिपीज़ होते हैं, तो वेज वाले दिन को कुछ ऐसा रेसिपी बनाते हैं जो सबको अच्छा भी लगेगा और हेल्दी भी होगा साथ में। आहाना बैठ के कर रही है अपने होमवर्क, तो मैं इसी बीच फटाफट बना लेती हूँ मेरा रात का डिनर। ओ हाँ, सबसे पहले मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया है इस रेसिपी। ये देखिए, हरा भरा सब्जी। मॉर्निंग में तो मैं गई थी ओनली मैंगोस के लिए, लेकिन जाने के बाद ना, सब्जी की दुकान में जाने के बाद मैं ना ठीक नहीं रख पाती हूँ अपने आप को। यहाँ पे है कैप्सिकम, टमाटर, आलू, गाजर, फूलगोभी, और मैंने लिया है पनीर। पनीर के पीसेस को मैंने क्यूब क्यूब करके काट कर लिया है। और ये है राइस। राइस ना मैंने छोटा वाला एक ग्लास है, तो उसी ग्लास के मेजर में मैंने राइस लिया है और उसको भिगो के उसका पानी जो है उसको स्टेन करने के लिए दिया है। तो आइए अभी रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो कॉलीफ्लावर्स है ना और जो पनीर है उसको मैं फ्राई कर लूँगी। और जब तक मेरा कॉलीफ्लावर और पनीर फ्राई हो रहा है, तब तक मैं एक मसाला बना लेती हूँ, जिसमें मैंने लिया है हल्दी पाउडर, नमक, कोरिएंडर पाउडर और जीरा पाउडर, और मैं लूँगी हॉट रेड चिली पाउडर। मुझे ना चिली बहुत पसंद है, तीखा तीखा, तो वो मैंने ले लिया है। और इसके साथ मैं लूँगी जिंजर पेस्ट। अब इन सारे चीज़ों को मैं क्या करूँगी, पानी के साथ मिला के कुछ देर के लिए रख दूँगी। मुझे ना ग्रीन चिली बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। आप अगर मेरे चैनल को फॉलो करते हो तो आपको पता है मुझे ग्रीन चिली कितना पसंद है। मुझे चिली तीखा बहुत पसंद है, सबसे बड़ी बात। और तीखे में मैं पसंद करती हूँ ग्रीन चिली और जो ब्लैक पेपर है वो। मेरी मम्मी क्या करती थी, वो सिलबट्टा है ना, उसमें हर एक खाने में ना ब्लैक पेपर, ग्रीन चिली ये सब पेस्ट करके डालती थी। जीरा, धनिया ये सब पेस्ट करके डालती थी। साबुत जो मसाला है ना, सबको पेस्ट पेस्ट करके डालती थी। अब तो हमारा मिक्सी है, उसी में करते हैं, लेकिन जितना भी मिक्सी में करते हैं ना, मैंने खुद देखा है, सिलबट्टे में जब पीसती हूँ ना, उसका टेस्ट अलग आता है, मिक्सी का टेस्ट अलग आता है। और अभी जो है लोगों के पास टाइम इतना नहीं है, तो ही बात है। चलो देखते हैं आना क्या कर रही है। क्या कर रही है? हिंदी लिख रही है। ये आनू का वार्डरोब खाली हो गया है, ये वाला वार्डरोब खाली हो गया है। ऊपर कुछ कपड़े हैं जो अच्छे वाले हैं लेकिन छोटे हो गए हैं। छोटे छोटे कपड़े मैं एक छोटी सी बच्ची है उसको दे दूँगी। ये वाली छोटी बच्ची की कपड़े मैं दूसरी छोटी बच्ची को दे दूँगी, है ना? छोटी पढ़ाई कर ले। घर का हालत मैं आपको और क्या दिखाऊँ। आलू हो गया थोड़ा सा फ्राई फ्राई। इसमें मैं अभी डाल दूंगी कैप्सिकम। कैप्सिकम को भी थोड़ा सा फ्राई करना है। और मैंने लिया है ग्रीन चिली। चिली को मैंने ऐसे बीच में से कट कर लिया है। अभी तक मैंने सॉल्ट ऐड नहीं किया है। थोड़ा सा इसे फ्राई करूंगी। अब मैंने जो मसाला मिक्स करके रखा था वो डाल दूंगी मसालों के साथ, तो थोड़ा सा भून भून के बना लूँगी।
मसाले से ना ऑयल छूट जाएगा, फिर उसके बाद मैं राइस को ऐड करूँगी। अब थोड़ा सा पकाऊंगी, थोड़ा सा लो फ्लेम में, इसको थोड़ी देर के लिए पकने दूंगी। अब चोरी छुपे पीछे से आके फिर से पनीर खा के चली गई। मैं पनीर को फ्राई करके लड़की खा के जाती है। आई फिर से कहाँ जा रही है? बिल्कुल नहीं यहाँ ना, देखो ये देखो, देखा ये देखो, ये देखो फिर से ऐसे कर रही है। पनीर इसको बहुत पसंद है, मुझे तो लगता है सारे बच्चे पनीर पसंद करते हैं, बहुत अच्छा बनता है ये वाला रेसिपी। थोड़ा सा मसाले के साथ ये जो सब्जी है ना इसको थोड़ा सा फ्राई करना पड़ता है, और फिर राइस के साथ और थोड़ी देर के लिए फ्राई करके कुक करके फिर ढक्कन बंद कर देंगे। मैंने ये वाला जो ग्लास है इसी वाले ग्लास के हिसाब से मैंने लिया था, एक बहुत ही छोटू सा ग्लास है एक, उसी के हिसाब से हम एक एक ग्लास का एक एक मतलब एक ग्लास राइस मतलब एक ग्लास एक प्लेट राइस मेरा एक ऐसा करके तीन ग्लास मैं लेती हूँ हमेशा, मेजरमेंट ऐसा ही बन गया है मेरे इसी ग्लास का। तो ये वाला ग्लास ना आना के पापा का है, जब वो छोटे थे उस टाइम का था, तो मम्मी जी ने दिया है तो यही मैं यूज़ करती हूँ। और इसी के मेजरमेंट में इसका जो राइस का डबल होता है पानी, इसी के हिसाब से डबल मतलब तीन ग्लास राइस तो मैं छः ग्लास पानी लूँगी, ये तो आपको पता ही है। तो अभी मसाला हो गया है फ्राई फ्राई सब्जी के साथ, अब मैं डाल दूंगी राइस जो मैंने स्टेन करने के लिए दिया था। ये थोड़ा सा ड्राई भी हो गया है, अभी मैं इसके साथ अच्छे से भूनूंगी। ये देखिए थोड़ा सा राइस के साथ मसाला और ये जो सब्जी मैंने फ्राई किया था सब एक साथ मिक्स करके अच्छे से और कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे और फिर पानी डाल देंगे। अब ऐड कर देंगे कॉलीफ्लावर और पनीर जो मैंने अलग से फ्राई करके रखा था। और पूरा सा मिक्स करने के बाद एक बार और सॉल्ट चेक कर लेंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कम लगा तो मैंने और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया। पहले तो मैंने थोड़ा सा ऐड किया था लेकिन मुझे कम लगा, मैं वैसे ही सॉल्ट थोड़ा कम ही खाती हूँ। और ये अब प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम में तीन सीटी आने देंगे। ये देखो कितना अच्छा बना है ना, राइस एकदम खिला खिला, अब खाने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। हो देखिए कितना खिला खिला बना है, देखिए कितना खिला खिला राइस बना है ना, बहुत ही खिला खिला और सुंदर सा बना है। मैं अभी सर्व कर, और प्रेशर कुकर का ढक्कन जो है वो आप अपने आप खुलने के लिए वेट करना है और गरम गरम सर्व करना है घी के साथ। तो एंजॉय करते हैं गरम गरम डिनर और आपसे मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। ये शो